अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज में इस वक्त है सीज़न जो ख़त्म हो गया है, तो इस वक्त है सर्दियाँ भी आ गई हैं, ठंड भी पड़ना स्टार्ट हो गई है और तितर जो है सो कुछ तितर पहले कुरीद कर रहे थे, 15 दिन कोई 20 दिन कोई महीना पहले की तितर ने जो सो कुरीद स्टार्ट की थी, अपने बाल वगैरह जो है सो गिरा रहे थे और इस वक्त जो है सो ज़्यादा जो तितरों में इस वक्त जो है सो तितर बहुत ज़्यादा कुरीद में आ गए हैं। कोई कुछ तितर रहते हैं जो कुरीद नहीं कर रहे, तकरीबन लोगों ने जो है सो तितर लपेट दिए हैं। ये टाइम होता है तितरों को लपेटना ना के बुलवाने का। आज की हमारी वीडियो कोई खुराक या किसी नुस्खे के बारे में नहीं है, बहरहाल कुछ आपको ज़रूरी मालूम देने का मेरा मकसद है कि कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी बताई जाए जिसे आप भी परेशान ना हो, आपके जो बर्ड्स हैं परिंदे हैं उनकी भी सेहत वगैरह जो है सो सही रहे, कोई मसला मसल ना आए। सही तो ये प्रोसीजर जो है कुरीज वाला जो सिस्टम है प्रोसेस ये सही तरीके से गुजर जाए, सर्दी सर्दे में आपके तितर सही पोजीशन में आ जाए, सही रहे, फिट फाट रहे, ताकि आपका अगले सीजन में जो है सो शौक सही तरीके से कराएं। बहरहाल वीडियो से पर आगे बढ़ने से पहले आपसे बहुत ही बड़ी शिकायत है कि बड़े कंजूस हो गए हैं आप, के वीडियो को लाइक भी नहीं करते, आपके हाथ को तकलीफ नहीं आती कि वीडियो को लाइक या अच्छा सा कमेंट कर दे। बड़ी मेहरबानी आपकी, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हैं। एक तो वीडियो को कंप्लीट जब तक नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ में भी नहीं आएगी और मुझे जो है वीडियो बनाने के लिए दिल भी अब नहीं करता है। इसी वजह से जो है थोड़ा फिर वीडियो बनाने के लिए दिल नहीं करता है कि हम ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। बहरहाल फिर भी कहते हैं कि यार ये जो खैर का काम है सदका जारिया है, कि ठीक है आप हमारा भला अगर नहीं भी चाहते हैं, ठीक है नहीं भी चाहते तो आपकी मर्जी। बहरहाल हमारी कोशिश ये होगी कि आपके बर्ड जो है सही रहे, क्योंकि तितर एक महंगा परिंदा परिंदा है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही नाजों से पाला जाता है, ठीक है। तो इस वक्त जो सिस्टम है, एक मैं आपको एक ही इंफॉर्मेशन दूंगा कि रात को जो तितरों को आप अंदर रखें, बरामदे से भी मैं कहता हूँ कि अंदर रखें, कोई हाल वगैरह या कमरे में वगैरह में रखें, थोड़ा दरवाज़ा उसका खुला हो, हवा वगैरह जो कुदरती तौर पर आती रहती है हल्की फुल्की उधर हवा जाए, यानी हबस वगैरह पैदा ना हो। हबस का तो मौसम ही नहीं है पंजाब में, तो ठंड काफ़ी पड़ रही है, यहाँ पर भी ठंड पड़ गई है। तितरों को सहन में रखने का, बरामदे में रखने का टाइम जो है ख़त्म हो गया है। इस वक्त तितरों को अंदर रखें, तभी जो है आपके तितर जो है सही रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात है ये कि काफ़ी दोस्त जो कह रहे कि यार मेरा तितर जो है सो बुला ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये क्यों आपका तितर बोल नहीं रहा, यार मेरा तितर बोल रहा है, इसका तितर बोल रहा है, दूसरे भाई का बोल रहा है। ये हमें लगता है कि तितर बोल रहे हैं, मेरा तितर नहीं बोल रहा है, यार महीना पहले लिया है, 20 दिन पहले लिया है। बहरहाल भाई तितरों ने भी जो है तो हथियार फेंक दिए, तितरों ने बुलाया खत्म कर दिए, बिल्कुल स्लो हो गए हैं, ना के बराबर हो गए। अब कितना भी बेहतर गरीब परिंदा आप तितर लाओगे बाहर तो वो डर करेगा, परिंदों को देख देख कर भी डर करेगा, लोगों को देख कर भी डर करेगा। बहरहाल हम कहते हैं हमारा तितर डर भी कर रहा है, फिर इसको फ़ोन किया उसको फ़ोन किया या मालूम लेते रहते हैं। जब आप देखे तितर ने एक दुखा पर गिराना है सीजन में, अगस्त के बाद जो तितरों ने पर गिराना स्टार्ट किए तो तितरों को लपेट दें, बंद करके रखें। अपने हिसाब से अगर वो आधा घंटा घंटा बोलते हैं तो उनको बोलने दें, बाकी जो है तो उनको कुरीज करना। सुबह के टाइम अगर आपका परिंदा कोई 8-10 आवाज़ें करता है तो उसको करने दें, या शाम को, बाकी अभी ऐसा नहीं करना आपने जब परिंदा आपका कुरीज पे हो तो उसको बोल कर भी गिट करी बुझ करी नहीं मस्ती वाली कोई भी चीज़ जो है उसको नहीं दिखानी। फेरे टोरे पे आपने तितर को नहीं लेके जाना, अब माती नहीं दिखानी, ईरानी नहीं दिखाना, बिचकारना बुचकारना नहीं है। एक सही जगह पे किसी कोने वगैरह में पड़ा रहे, जहाँ पर सुकून से रहे, दिन के टाइम उसको थोड़ी सी धूप दिखाए और सुकून से रात को उसको दाना पानी कर दिया, दिन में बंद रहे, 15 या 20 दिन के बाद जो है उसको मट्टी दे, वो अभी खुश्क मट्टी, बाकी डर करेंगे
डर वाला टेंशन नहीं है, आप ये नहीं मतलब कि मेरा तेरा डर क्यों कर रहा है। इस वक्त सभी तेरा डर कर रहे हैं। इस वक्त तेरों को आप अपने हाल पर छोड़ दें। इसको बाहर अगर काफ़ी दोस्त ऐसे करते हैं, जब तितर पुलिस में आ जाता है समझते नहीं बात को, तितर पर भी गिराता रहता है, फिर भी जो है वो कहते हैं यार तितर नहीं बोल रहा, बाहर लेके गिटकारी पिचकारी सीटी आप लगा कर तितर को बुलवाते। जब आप ऐसे करेंगे तितर को क्लोज नहीं करेंगे, तितर को बंद नहीं करेंगे, सर्दियों में भी आप तितरों को बुलवाते रहेंगे, मस्तियाँ कराते रहेंगे, उसको जो है मट्टी भी देते रहेंगे, उसको सही से जो कुरीज आप करने नहीं देंगे, सुकून आप उस तितर को नहीं देंगे, अच्छी सी खुराक उसको नहीं देंगे, उसको अगर पानी नहीं देंगे फिर आपका तितर कभी भी जो है सही कुरीज नहीं करेगा। और अभी तो चलो सर्दियाँ गुजर जाएंगी, हमें टेंशन नहीं है, जब कि सीजन आता है अगला, अगले साल जब सीजन आएगा फिर आपके तितर नहीं बोलेंगे, मेरा तितर बोलेगा, इस भाई का बोलेगा, किसी का चोट में होगा, कोई पांच आवाज़ें लगाएगा, कोई दस आवाज़ें लगाएगा, फिर हम रोते हैं, परेशान होते हैं कि यार मेरा तितर सही चलता ही नहीं है, सीजन आ गई है फिर भी जो है तो ये तितर मेरा पर गिराता रहता है। तो मेरा तितर नहीं बोल रहा, चक्री पे लग जाता हूँ, वहाँ पे रखा तितर पाँच मिनट राउंड में निकल गया, अगर फाइनल पे लगता है, फाइनल में उसने आवाज़ें कितनी लगाई, 100 पे नहीं लगाई, 140 लगाई। भाई जब आप तितर को सही तरीका आप नहीं अपनाएंगे, जब आप तितर को सही तरीके से रखेंगे नहीं, तितर की सही क्रीज नहीं कराएंगे, उसको आप सही केयर नहीं करेंगे, तितर बुलवाने का टाइम है भाई। सर्दियाँ जो है तो यही 3 महीने 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सीजन होती है, सीजन में आप बुलवाना, फेरे टोरे देना, तितर का डर खत्म करना, तितर की अच्छी कुरीज करना है। कुरीज के बारे में जो खुराक है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि कुरीज में आपने क्या खुराक देनी है, कब स्टार्ट करनी है, फिलहाल क्या करना है, वो आपको अपने हिसाब से मैं बताऊँगा। फिलहाल तितरों को सुकून दें, मट्टी से परहेज करें, ठंडी हवा से बचाएं, सुबह के टाइम जंगल ना ले जाएं, शाम के टाइम जंगल ना ले जाएं, तितरों की आवाज़ों से बचाएं, जब हवा चल रही है उसी से बचाएं, थोड़ी बहुत ही माड़ी मोटी उसको धूप दिखाएं, तभी जो है तो आपके तितर सही रहेंगे, सीजन आ गई तो वो डर भी खत्म कर जाएंगे और बुलाई भी अच्छी करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।